नमस्कार साथियों, मैं सरोज कुमार रवानी और आप देख रहे हैं इंडियन हर्ड। और आज हमें जिला चतरा प्रखंड प्रतापपुर पंचायत गोविंदपुर चंद्री ग्राम चंद्री कला में, जहां 4 वर्ष पूर्व मनरेगा योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्र बनाया जा रहा था जो अभी तक अधूरा ही बना है, जिससे आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 19 के बच्चे और धात्री महिलाएँ और गर्भवती महिलाओं को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता, पोषण सखी, सेविका, सहायिका को भी पढ़ाने में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आइए देखते हैं ग्राम चंद्री कला से एक रिपोर्ट। समस्या है कि यहाँ 4 साल से आंगनबाड़ी केंद्र बन रहा है जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, और आंगनबाड़ी केंद्र चलाने में सेविका सहायिका को भी दिक्कत होता है। कभी किसी के घर में जाके बनाती है या भवन में बनाती है, और उसके बाद बच्चे लोग की भी परेशानी है। यहाँ के बच्चे लोग की इतना दिक्कत है, जो नज़दीकी में वो पहुँच पाते हैं, जो नज़दीकी में नहीं है वो पहुँच नहीं पाते हैं। और ये वाला भवन बन जाता तो बच्चे लोग आसानी से यहाँ सब लोग जुड़ जाते और पढ़ भी लेते, सबको आसान पड़ता है। यहाँ टीकाकरण करवाने में धात्री लोग की भी बहुत परेशानी होती है, ये लोग पहुँच नहीं पाती है, उतना दूर पैदल चल के जाने पड़ता है, कभी जान नहीं पाती है कि टीकाकरण हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस गांव में पोषाहार मिलता है? जी मिलता है। टीकाकरण होता है? जी होता है। यहाँ कितने बच्चे हैं? लगभग 80 बच्चे। तो यहाँ और आंगनबाड़ी है? जी नहीं। इसके लिए ग्रामीणों ने कोई प्रयास किया है? जी प्रयास तो हुई है, लेकिन अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि ये बिल्डिंग बन जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। विश्व के एक तिहाई कुपोषित बच्चे भारत में। ICDS प्रोग्राम के तहत आंगनबाड़ी केंद्र का मकसद बच्चों में कुपोषण समाप्त करना है। भारत में सभी अंडर 5 मृत्यु दर के लिए कुपोषण जिम्मेवार है। समस्या है कि हम लोग के 4 साल से आंगनबाड़ी अधूरा बना हुआ है, और सेविका के घर में खिचड़ी बनता है, वहाँ बच्चा लोग जा नहीं पाते हैं खिचड़ी के लिए, पोषाहार के लिए, एवं हम लोग के टीकाकरण लेने में भी दिक्कत होता है। और आंगनबाड़ी बन जाता तो अच्छा रहता, गर्भवती महिला के भी जाने में वहाँ दिक्कत होता है। आप लोग का टीका मिलता है? मिलता है सेविका के घर में, वहाँ जाने में परेशानी होता है। पोषाहार मिलता है? मिलता है वहीं। आपका सेविका कितना के घर में? 2। वो लोग आंगनबाड़ी में पढ़ते हैं? आंगनबाड़ी में वह पढ़ते हैं, वहाँ सेविका के घर में, वहाँ जाने में दिक्कत होता है। बच्चा के आंगनबाड़ी बन जाता तो यहाँ खिचड़ी बनता, पोषाहार मिलता और पढ़ने आते। मेरा नाम वसीम अकरम हुआ, मेरी धर्मपत्नी उम्मे कुलसुम यहाँ ग्राम चंद्री कला का आंगनबाड़ी सेविका है। पिछले 2 साल से आंगनबाड़ी का संचालन निजी भवन में हो रहा था, लेकिन ऊपर से आदेश आया है कि निजी भवन में संचालन नहीं करना है, किसी पड़ोस के स्कूल या पंचायत भवन से संचालित करना है। तो पड़ोस के स्कूल से हो रहा था संचालन। इसका कारण ये कि हमारा गाँव का जो आंगनबाड़ी शेल्टर है, बिल्डिंग है, वो अधूरा है, बना नहीं है अभी तक, 4 साल से अधूरा है, जिसके वजह से न उसमें शौचालय है, न पानी पीने की व्यवस्था है, न किचन है, सिर्फ ढलैया करके छोड़ दिया गया है उसको, न उसमें गेट है, न कुछ है। इससे दिक्कत होता है काफ़ी गांव के बच्चा लोग को, काफ़ी दिक्कत होता है पढ़ाने में, वहाँ के महिला, यहाँ के महिला लोग को भी काफ़ी दिक्कत होता है, गर्भवती महिला लोग को भी काफ़ी दिक्कत होता है, धात्री महिला को भी दिक्कत होता है। तो हमारा निवेदन है सरकार से इसको जल्द से जल्द बना दे, पूर्ण कर दे, ताकि हमको संचालित करने में, हम लोग को आंगनबाड़ी संचालित करने में दिक्कत ना हो। आंगनबाड़ी कोड संख्या कितना है? ग्राम चंद्री कला आंगनबाड़ी कोड संख्या 19, प्रतापपुर प्रखंड। कितना बच्चे हैं यहाँ पे? लगभग 0 से 6 माह के बच्चा लगभग 15 ठो हैं, और 6 माह से 3 साल के बच्चा लगभग 70 गो हैं, और 3 साल से 6 साल के बीच में के जो बच्चा है उनका संख्या 40 है। तो इसकी सूचना आप लोग विभाग को दिए हैं? जी, प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय को इसका सूचना दे चुके हैं, CDPO महोदय को भी दिए हैं सूचना। मैंने इस समस्या के समाधान के लिए समुदाय और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ बैठक कर एक आवेदन बनाया और प्रखंड विकास पदाधिकारी से मिलने प्रखंड कार्यालय पहुँचे, लेकिन मिल नहीं पाए। तो मैंने उनका किरानी को आवेदन रिसीव करवाया। आगे मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी और CDPO से मिलकर इस समस्या का समाधान करने का प्रयास करूँगा। अगर आप लोगों के पास इस समस्या समाधान करने के लिए कोई तरकीब है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मैं जल्द ही इस पर बदलाव लाकर आप सबों को अपडेट करूंगा। मैं सरोज कुमार रवानी, झारखंड चतरा से, इंडिया अनहर्ड के लिए।